हेलो ब्रिलियंस, अभी हमारे सामने सम है 12, एक्सरसाइज 9.1, एलिमेंट्स बुक, पेयर्स ऑफ लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन में देखिए 12th में क्या है। इन द एडजॉइनिंग फिगर एल पैरेलल टू एम, जो लाइन एल है वो एम के पैरेलल है। पी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल वो जो दो लाइनों को दो अलग अलग पॉइंटों पे काटे, तो ये ट्रांसवर्सल है। पी स्मॉल लेटर से इस्तेमाल करते हैं हम लाइन को, या फिर कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं तो हम दो अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं, और स्मॉल लेटर के केस में एक अल्फ़ाबेट से लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है। फाइंड वाई, हमें वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी जो चीज़ें हैं वो इसमें दे रखी है, तो चलिए करते हैं। पहला काम जो होगा वो होगा फिगर बनाने का। टू एक्स डिग्री, ये वाई है, और जो ये एंगल है ये गिवन है एक्स बाय टू प्लस 30। तो क्या करेंगे, हमारे पास रिलेशनशिप आ रही है, टू एक्स है तो ये भी टू एक्स होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और फिर इसको हम बराबर कर देंगे इसके। एक रिलेशनशिप आ गई वाई की वैल्यू टू एक्स के रूप में, और एक तरफ ये आ रहा है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर। तो जो ये y की वैल्यू इधर से आने वाली है वो हम इसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल रह जाएगा, और एक वेरिएबल से एक वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे, और x की वैल्यू आ जाएगी। उस x की वैल्यू को हम y की वैल्यू में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। हमें तो y की वैल्यू निकालनी है ना, x की इनडायरेक्टली हमें निकालनी पड़ेगी, कह नहीं रखी। क्लियर हुआ? बिल्कुल, बहुत आसान सम्स है, और बस आपको प्रॉपर्टीज़ का समझ में आना चाहिए, बाकी तो फिर ये क्या हो जाता है, गेम हो जाता है, खेल हो जाता है। एल एम पी, मैं तो मॉर्निंग टाइम पे खेल रहा हूँ अभी और आप भी फिर समझने के बाद इसे खेलिएगा। मॉर्निंग 4:31 AM। तो देखिए अब क्या होगा इसमें, बिकॉज एल पैरेलल टू एम गिवन है एंड पी इज ट्रांसवर्सल, फिर क्या होगा, इसको मैंने नाम दिया वन, जरूरत पड़ेगी ना इसकी। एंगल वन इक्वल टू टू एक्स डिग्री, क्यों भला, वर्टिकली अपोजिट एंगल वी ओ ए, और एंगल वन और वाई बराबर होंगे, एंगल वन इक्वल टू एंगल वाई, क्यों, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ये दोनों एंगल्स कोरस्पोंडिंग होंगे, क्यों बोला, ये बिल्कुल ये टाइप है कि अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो जो ये वाला एंगल है उस वाले एंगल के बराबर होता है। याद आया कुछ? गुड, तो ये क्या हो गया, ऐसे एक अंदर की तरफ है, इंटीरियर में है, और एक एक्सटीरियर है, और दोनों ही एक तरफ में है, और नीचे है तो नीचे की तरफ, ऊपर है तो ऊपर की तरफ, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो ये वाली टाइप आ गई, ठीक है, ये हमारा काम हो गया। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, इसको हटा देते हैं निशान, एंगल का इसके में नहीं इस्तेमाल करेंगे, y इक्वल टू टू एक्स। अब y प्लस x बाय टू प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर। अब सबका डेनोमिनेटर 2 कर देंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो क्या करेंगे, y प्लस x बाय टू प्लस 30 इजल टू 180, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो
टू से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू से नीचे करेंगे, टू से ऊपर नहीं, इसमें तो है ही पहले टू, इसमें टू से ऊपर और टू से नीचे, टू से ऊपर टू से नीचे, हमें मिला टू वाई बाय टू एक्स बाय टू, सिक्सटी बाय टू थ्री सिक्सटी बाय टू, सबका टू नीचे का आप गायब हो जाएगा क्योंकि यहाँ से टू कॉमन लेंगे और वो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे कट जाएंगे। तो हमें मिला टू वाई प्लस एक्स प्लस सिक्सटी इक्वल टू थ्री सिक्सटी। अब हमने y की वैल्यू तो 2x निकाली थी ना, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे y की वैल्यू को, 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस एक्स प्लस सिक्सटी थ्री सिक्सटी, फोर एक्स प्लस एक्स प्लस सिक्सटी थ्री सिक्सटी, फाइव एक्स थ्री सिक्सटी माइनस सिक्सटी थ्री हंड्रेड। तो x की वैल्यू क्या आई, 300 अपॉन में 5, ये डिवाइड में आ गया 60 हो गया ये। तो x की वैल्यू क्या आई, 60 आ गई। अब हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल टू क्या होगा, 2x था और x की वैल्यू हमने निकाली 60, 120 डिग्री। तो y की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। अब अगर चेक करना हो कि हमारी y की वैल्यू ठीक आई है क्या, अब यहाँ देखिए 60 बाई टू 30, 30 प्लस 30 60, तो इस 60 के अंदर 120 प्लस करें तो वो 180 डिग्री लीनियर पीरियड बना रहा है ना, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। तो स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करी हमने, ये 2x दे रखा है, ये हमने अपनी तरफ से 1 माना है, ये y और ये आपको x बाई टू प्लस 30 दे रखा है, 2x है तो ये भी 2x होगा और ये 2x है वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से, और ये एंगल 2x है और ये भी y, दोनों बराबर होंगे कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो ये वाली एक हमारे पास इक्वेशन आ गई, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर की वजह से। अब ये दोनों का सम 180 डिग्री है, एक रिलेशनशिप हमारी ये आ गई, हमने ये वाली वैल्यू इसमें पुट करी, पहले ही पुट कर देनी चाहिए थी वैसे, चलो नहीं किया, यहाँ पर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व किया, एक सिंप्लीफिकेशन करी इसकी, तो फिर हमने वाई की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया 2x जो है, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गई और वो x की वैल्यू जो पुट हमने निकाली वो वैल्यू हमने फिर यहाँ पर रखी और y की वैल्यू 120 आ गई। चेक करने के लिए आपने y की वैल्यू ये 120 डिग्री और यहाँ पर जब आप x की वैल्यू पुट करते हैं तो ये 60 डिग्री आता है, तो 120 प्लस 60 180 डिग्री, तो ऐसी चेकिंग हो जाती है, राइट। या